जय श्री कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। सेकंड है अपने दोस्तों पास ह्यूमन सिस्टम मानव तंत्र, उसका वन लाइनर जीके देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, विभिन्न स्तरों पर भोजन भोजन पाचित रस व अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? इसमें ऑप्शन अपने पास स्रवणी पेशिया, म्यूकोसा, श्लेष्मा, उपकला और दोनों क व ख। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क, स्रवणी पेशिया नियंत्रित करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से दंत मतलब दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं दोस्तों? मतलब जो मांसाहारी का मतलब जो मांस खाते हैं दोस्तों, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक विकसित दांत कौन से होते हैं दोस्तों? रद्दनक। कौन से होते हैं? रद्दनक। कौन से होते हैं? रद्दनक। आया समझ में? अगला क्वेश्चन दोस्तों, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य होता है, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? भोजन को ग्रसनी से भेजना, खा भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, खा भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य होता है, भोजन को श्वास नलिका में से जाने से रोकता ही है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन की क्रिया कहाँ संपन्न की जाती है? एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्रहणी में। कहाँ पर होती है? ग्रहणी में। कहाँ पर होती है दोस्तों? ग्रहणी में। ओके, ग्रहणी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है, मतलब जो लार ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि कौन सी नहीं है इसमें दोस्तों? कर्णपुर ग्रंथि, अधोजंब, अधोजीवा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं, इसका अगला नाम क्या है दोस्तों? मास्टर ग्रंथि। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? अग्नाशय द्वारा मतलब अग्नाशय जो अपने मधुमेह इंसुलिन हार्मोन को नियंत्रित करती है, उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है दोस्तों? कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता है? एमिलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, कौन सा नहीं होता है? रेनिन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है दोस्तों? रेनिन नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग नहीं है? द्वितीयक श्वसन अंग है नहीं, नहीं दोस्तों, सॉरी है। तो कौन सा है? वो होता है मुखसर। अगला क्वेश्चन, बाएँ फेफड़े मतलब अपना जो लेफ्ट लंग्स में पाए जाने वाले खंडों की संख्या, कितने खंड होते हैं उसमें? दो खंड होते हैं दोस्तों। कितने खंड होते हैं? दो खंड होते हैं। अगला क्वेश्चन, एल्विओलाई में पाई जाती हैं, कौन सी एल्विओलाई में पाई जाती हैं? सल्की उपकला, उपकला या उपास्थि छल्ले? तो सल्की उपकला पाई जाती है दोस्तों। अगला, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है दोस्तों? रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। जो शरीर जो रुधिर जो टोटल होता है उसका कितना प्रतिशत भाग होता है? ये 55% भाग प्लाज्मा होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साधारणता लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है? साधारणता समझना दोस्तों, साधारणता बोला है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है? श्वेत रक्त कणिका नहीं है, बी लिम्फोसाइट होती है, बिल्कुल बेसोफिल होती है, मोनोसाइट भी होती है, कौन सा नहीं है? बिंबाणु। कौन सा नहीं होती है? बिंबाणु, अपनी जो वाइट ब्लड सेल नहीं होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए कैपिटल ए व कैपिटल बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? तो वो किस में होते हैं प्रतिजन में? ए बी में। किस में होते हैं? ए बी में। ओके दोस्तों, अब मुझे कौन बताएगा कि जो ओ ए बी में से किसी भी लाल रक्त कणिकाओं में कोई भी प्रतिजन नहीं होता है? आप बिल्कुल कमेंट करके इसका आंसर दें। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास, परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय में कितनी बार गुजरता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार गुजरता है दोस्तों? तो दो बार गुजरता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का करता है क्या, यूरिया करता है क्या, या यूरिक अम्ल का? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अपना जो मूत्र के दौरान अपन किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। किसका करते हैं? यूरिया का। ओके दोस्तों, यूरिया का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है बोमेन स्पूट में। किस में पाया जाता है? बोमेन स्पूट में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बोमेन स्पूट में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है, नर मतलब मनुष्य मतलब पुरुष, पुरुष में कौन सा लिंग हार्मोन होता है? वो होता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। और मादा में कौन सा होता है दोस्तों? मादा में होता है दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न से प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, कौन से लैंगिक अंग होते हैं? एक तो अंडाशय और वर्षण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है, प्रेरक जो तंत्रिका होती है उद्दीपनों को कहाँ पहुंचाती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक।
बिल्कुल दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा अंगों तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कॉर्पोरा क्वाड्री जमीन पाया जाता है। कॉर्पोरा क्वाड्री जुनम जो क्वाड्री जमीन कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में। नमस्कार दोस्तों, ये बिल्कुल आपके सेकेंड यूनिट में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जल्दी से आप इनको अध्ययन करो और जल्दी से अपना कमेंट शेयर करो कैसा लगा।